एक चीज और पंडित जी जानना चाहेंगे, और चूंकि ये कुमार जी के जीवन में भी बहुत प्रमुखता से ये सवाल था और आपसे भी इसकी वजह भी जानना चाहेंगे, कुमार जी ने जब भजनों को पिक किया, जब उन्होंने भजन गाना शुरू किया, तो उससे पहले वो लंबा समय शुद्ध शास्त्रीय संगीत गा के पूरे देश विदेश में अपनी पहचान बना चुके थे, लेकिन जो कुमार जी की पहचान जनमानस में बनी वो लोगों को लगा कि वो सिर्फ भजन ही गाते हैं, वो भजन ही उनके ज्यादा प्रचलित हो गए, बहुत ज्यादा पसंद किए जाने लगे। आप जब खुद एक कलाकार के तौर पर पूरे लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत के साधक के बाद जब सिर्फ भजन गाते हैं या कहीं मंच पर गाते हैं, तो कभी ये जहन में रहता है कि मेरी पहचान कहीं एक भजन गायक की ना बन जाए, और क्या ऐसी कभी ऐसा कोई थॉट आया क्या? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे कई जब युवराग संगीत का कार्यक्रम होता है तो कई बार गा रहे होते हैं तो फिर बाद में वहां से फरमाइश आती है कि ये भजन गा दीजिए, ये भजन, तो मैं अवॉइड करता हूँ कि वो कभी तो गा दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं गाया, तो कई बार फिर ये लगता है कि उनको, आपने जो बोला ना कि केवल भजन ही गाता, ऐसा नहीं, कुछ बंदिश की ठुमरी वगैरह ऐसे भी गाता हूँ, ये नहीं, तो ये छाप पड़ने का डर होता है, उसको संभालना चाहिए कि जैसे सिर्फ फरमाइश करते जाओ आप गाते जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपनी बात भी कहनी। मैं जैसे जब राग का गाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि कम हो भजन या ना हो उसमें, आपने ठीक कहा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कुमार जी का ऐसा नहीं था, वो तो राग का तो मैं क्या बोलूँ आपको, वो पॉपुलर ज्यादा नॉर्थ में ज्यादा हुए उसकी वजह से, भजनों की वजह से, पर ये थोड़ी था कि वो राग संगीत में कुछ वो था। बिल्कुल वही, मैं भी चूंकि सुनता रहा हूँ उनको और दोनों पक्ष मैंने सुने हैं, इसीलिए ये सवाल जहन में आया। अब थोड़ी देर पहले आप रागों का जिक्र कर रहे थे कि फला राग फला कलाकार का सुनो, फला राग फला कलाकार का सुनो। आज इतनी लंबी साधना करने के बाद, इतना सब कुछ सीखने के बाद, आपको क्या लगता है आपके कौन से राग हैं जो आपके दिल के सबसे करीब हैं, या आपको जब वो राग सुनना हो तो आप अपना सुनते हो? देखिए, ये मुश्किल एक राग को पिक करना, क्या जी कितना, मैं कह रहा हूँ हालांकि एक कलाकार के लिए एक दो रागों को चूज करना बहुत मुश्किल होता होगा। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अलग एक्चुअली फेवरेट वो हो जाते हैं जिसपे आप काम कर रहे होते हो, जिसका अभ्यास कर रहे होते हो, ये है, और जो फेवरेट नहीं होते वो एक्चुअली आते नहीं है, ये भी है, पसंद तो आते हैं, खुद अच्छे लगते होंगे, वो फेवरेट कह नहीं पाते क्योंकि वो ठीक से सीखा नहीं होगा। ये राग को जैसे जानने के लिए उसको बहुत समय लगता है, एक राग के साथ बहुत समय रहना पड़ता है तब जाके वो आता है, आपके खून में आ जाए, आपके हर सांस में वो राग आए, वो करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ऐसे तो उसका जो मनन, जो मैंने बोला था ना, जो एक राग सीखा है तो उसका एक तो स्केल ही गले में बिठाना मुश्किल होता है उस राग का, राग का जो स्केल आता है, पहले अलग अलग रागों के अलग अलग स्वरावली है, तो उसको गले में साधना होता है, उसमें ही बहुत टाइम लगता है। एक राग की जानकारी पूरे दिल से आ जाए, अच्छे मन से आ जाए, उसके लिए बहुत समय लगता है। तो कोई एक राग की कुछ छोटी सी चीज जो आप हमें सुनाना चाहें, जो आपका पसंदीदा हो? पसंदीदा मतलब है वो अहिर भैरव में आपको एक मध्य लेके संदीप सुना जी। Rabasan, Rabasan,
जी एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि जैसा हम लोग इस इंटरव्यू में कई बार जिक्र कर चुके हैं गंधर्व महाविद्यालय का, जब बच्चे अपना एक तय पाठ्यक्रम पूरा करके जा रहे होते हैं और आपके पास आकर एक बार आखिरी तरीके से चरण स्पर्श करके और आपसे आशीर्वाद लेके निकलते हैं, आप कुछ जरूर कहते होंगे कि क्या करना और क्या नहीं करना। अब वो कौन सी मोटी मोटी बातें हैं जो आप उन बच्चों को सिखाते हैं जो बच्चे एक तरीके से आपसे आशीर्वाद लेकर और इस उम्मीद से जाते हैं कि अब वो मंच पर बैठेंगे और वो गायकी के दिशा में अपना नाम करना शुरू करेंगे या जो सीखा है उसको दिखाना शुरू करेंगे, क्या हिदायतें देकर या क्या नसीहतें देकर आप उन्हें विदा करते हैं? वही कहता हूँ जी हमेशा कि वही सच्चाई से करना, मेहनत करना और ढोंग नहीं करना, नकलीपना नहीं दिखाना, क्योंकि राग संगीत इतना सूक्ष्म है वो आपको मारता है होगा अगर आप चीटिंग करो उसके साथ, अलग ढंग से पढ़ती है। ऐसे ऐसे मैं बताता हूँ कि आप ऑनेस्टली करो तो जरूर रास्ता मिलेगा, जरूर आपका सफल होगी ये, पर ऐसे नहीं है कि आप उसके लिए चीटिंग करो। आजकल का जमाना है कि पीआर करना पड़ता है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, जमाने की मांग है। वो भी आजकल बोल देता हूँ, बड़े मन तो नहीं करता कहते हुए कि भी उनको कहता हूँ भी अपना तुम सीडी वीडी सब जगह भेजो वगैरह, ये पहले नहीं कहता था, पर आज जमाने की मांग ऐसी है कहना पड़ता है। पर उसके सबसे ऊपर यही कहता हूँ कि अच्छे तरह से मेहनत करना, जो प्रोग्राम में गाना है सोच के गाना है, सब प्लान करके गाना और सिंसियरली, बस यही बोलता हूँ, यही मैं सबको कहता हूँ। अपने जमाने की मांग का जिक्र किया और जमाने की मांग है ढेर सारे लोग जुगलबंदियां करते हैं, लेकिन आप जुगलबंदी नहीं करते। जुगलबंदी ऐसे नहीं, एक्चुअली बड़ा एकल हमारा विद्या है, एक का विचार, दूसरा जो भी आएगा इसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि या मैं अपनी बात कहते कहते रुक जाऊंगा या उसके लिए वेट करूंगा, इसलिए एकल विद्या है, इसलिए डुएट का ऐसे कभी मौका आया नहीं ऐसे डुएट गाया नहीं। जो भी संगीत के छात्र इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, एक लाइन जरूर याद रखें पंडित जी की जो उन्होंने कही थोड़ी देर पहले कि इसके साथ किसी तरह का छल कपट मत करना, वरना जो संगीत की मार होती है वो अलग तरीके से पड़ती है। पंडित जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, और मतलब बस ईश्वर से यही कृपा कर, यही शुभकामना रहेगी और यही कृपा रहेगी गंधर्व महाविद्यालय से आपके शिष्य के तौर पर नए नए कलाकार हमें मिले, और जो सीख आपने उनको दी है संगीत के प्रति ईमानदारी की, संकल्प की, साधना की, वो उनके अंदर रहे। मैं आखिर में बस एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, और वो चूंकि इतना सुना है और इतना कान में बसा हुआ है
कि जोगी एक अकेला अगर आप दो लाइनें गुनगुना दें तो ये इंटरव्यू फिर बहुत ही अच्छे मोड पर खत्म होगा। कहे कबीर उनी बहुत 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 धन्यवाद पंडित जी। और वाकई हमारा परम सौभाग्य रहा कि हमको बातचीत का अवसर मिला, हमारा चरण स्पर्श स्वीकार करें और हमें भी आशीर्वाद दें कि हम लोग आपके जैसे कलाकारों से बातचीत का मौका हम लोग को मिलता रहे, कुछ हम लोग भी सीखें। भले संगीत के प्रत्यक्ष छात्र ना बन पाए, अप्रत्यक्ष छात्र बनकर भी कुछ सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपकी बातों से तो लग रहा है आपने बहुत सुना है। नहीं, जरूर। और आपके सबको मेरी ओर से नमस्कार। बहुत मजा आया बात करके आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।